जम्मू कश्मीर में फिर बढ़ रहा है आतंकवाद। महीने भर में 8 बड़े हमले हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। घाटी की जगह अब जम्मू क्यों बन रहा है निशाना, ये सबसे बड़ा सवाल। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर पैर पसार रहा है। पहले आतंकवादियों की ओर से घाटी में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की ओर से वहां पर लगातार सख्ती बरतते जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं में खासी कमी है। हालांकि आतंकियों ने केंद्र शासित प्रदेश के करीब करीब शांत क्षेत्र कहे जाने वाले जम्मू को हमलों के लिए एक नया ठिकाना बना लिया है। पिछले कुछ समय से जम्मू क्षेत्र में ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। जून से लेकर अब तक यहाँ पर कम से कम 8 ऐसे हमले हुए हैं जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकवादियों का सामना हुआ है। अब क्या आपको बता दें, क्या अब आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए जो आपको बताएं जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही। सबसे ताजा मामला देखा जाए तो कठुआ जिले के मछेड़ी इलाके में सोमवार 8 जुलाई को हुआ है, जब आतंकवादियों की ओर से सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 जवान शहीद हुए, जिसमें जूनियर कमीशन अधिकारी GCO भी शामिल हुए। हमले में 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं और इनका पठानकोट सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। अकेले कठुआ जिले में देखा जाए तो एक महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला रहा है। पिछले महीने 11 जून की बात की जाए तो 8 बजे आतंकवादियों ने हीरानगर के सैदा सुखल गांव में जवानों पर हमला कर दिया था और हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान शहीद हो गया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने बाद में एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है, ये लगातार सवाल भी खड़ा हो रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह की रणनीति का ध्यान कश्मीर घाटी से हट गया, जहां सुरक्षा बल मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। पिछले 2 से 3 सालों से आतंकवादी जम्मू में रुक रुक कर हमले कर रहे हैं, जिससे हिंसा में तेजी देखी गई है। विशेष रूप से 2023 में लगभग 43 आतंकवादी हमले और 2024 में अब तक 25 हमले हुए। जम्मू क्षेत्र के विशाल और जटिल इलाके का उपयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC के पार सशस्त्र आतंकवादियों को भेजने के लिए किया जाता है। ये सभी सुरंगों का भी उपयोग करते हैं, साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल कर हथियार भेजे जाते हैं। आतंकवादी नागरिकों के रूप में भी प्रवेश करते हैं और स्थानीय, आपको बता दें, गाइडों की सहायता से छिपने की जगह और हथियार इकट्ठा करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण सफलताओं के बावजूद जम्मू सेक्टर एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बन गया है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और कम से कम स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण लश्कर और जैश मॉडल्स को ट्रैक करना मुश्किल होता जा रहा है। मॉनसून के मौसम से पहले जम्मू कश्मीर में भारी घुसपैठ शुरू हो गई है। आम तौर पर आतंकवादी, आपको बता दें, कस्ट्रीना वायरर और यहां तक कि इन्फ्रेट लाइट जैसी सीमा निगरानी प्रणालियों को बाधित करने के लिए मॉनसून की बाढ़ का इंतजार करते हैं। कभी कभी नील गाय जैसे जानवरों का भी उपयोग करते हैं। स्थानीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी गांव में एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, साथ ही ग्राम रक्षा समिति को भी एक्टिव किया जा रहा है। कठुआ में हाल ही में एक विशेष पुलिस अधिकारी ने एक आतंकवादी को मार गिराने में मदद की थी, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों में स्थानीय आबादी का समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। 2018 में पूंछ के पास सलानी के 50 ग्रामीण आतंकवादियों द्वारा अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ शामिल हो गए। एक अन्य उदाहरण में एक नागरिक जिसका भाई 2003 में आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, वो भी बदला लेने के लिए के इरादे से सुरक्षा बलों में शामिल हो गया। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ खास करने में सफल नहीं रहा है, वहीं जम्मू क्षेत्र में समान स्तर की खुफिया जानकारी मौजूद नहीं है, इसलिए आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं और वो अस्थाई चौकियां, वाहन चौकियां और यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। तो लगातार बढ़ते जो ये मामले हैं, इन पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर।